खाने के लिए। अरे मेरे लिए भी एक आम फेंक। पुकी, ये आम का सीजन है। नहीं, ये आम का पेड़ है। नहीं, तो फिर आम कहाँ से मिलेंगे? कोई नहीं, हमें बैग मिल गया ना। चल। अरे क्या चलो क्या चलो, मुझे नीचे उतारो, इतने ऊपर खड़े होकर मुझे चक्कर आ रहा है। पुकी, अब हम क्या करें? मानव को ऊंचाई से डर लगता है, वो गिर जाएगा। मुझे मानव तू ऊपर कैसे चढ़ा? हाँ। सीढ़ी से, और अब सीढ़ी यहाँ पर नहीं है। सीढ़ी गई तो गई कहाँ? सीढ़ी तो मेरे पास है, और वो मैं तुम्हें देने वाला नहीं। बड़ा शौक था ना फर्स्ट आने का। अब मानव को लटकने दो। क्यों रोहित केवल? Don't angry me. Don't angry रोनी। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? सर। और silence, silence. मानव बेटा तुम ऊपर क्यों चढ़ गए? अरे अगर मैं बोलता हूँ कि खुली हवा में पढ़ो तो मेरा मतलब ये नहीं है कि पेड़ के ऊपर चढ़ के पढ़ो। नहीं सर, वो पढ़ने के लिए नहीं गया था, बल्कि वो बैग उतारने के लिए गया था। लेकिन स्कूल बैग पेड़ पे। मानव बेटा उस टहनी से चिपक जाओ। सर प्लीज कुछ कीजिए, मानव नीचे गिर जाएगा, उसे कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ, रमेश जल्दी से जाओ और कहीं से भी कैसे भी सीढ़ी लेकर आओ। हाँ हाँ सर, अभी लेकर सर, अभी लेकर। तो चाहे कुछ भी हो जाए, सीढ़ी उन्हें नहीं मिलनी चाहिए। ओके चलो भागो। मैं कुछ कर वरना मैं नीचे गिर जाऊंगा। मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं अभी बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर को बुला। बालवीर, बालवीर, मेहर मुझे माफ करना, मैं अभी तुम्हारी मदद के लिए नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ नाराज परी के प्राण खतरे में है। नाराज परी, आप यहाँ आपका परी रूप त्याग कर सकती है। शुक्रिया बालपरी। नाराज परी, आज आपको वहां हम सबसे अलग खड़ा देखकर हमें बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन आपने जो अपराध किया है उसकी सजा इससे कम हो भी नहीं सकती, इसलिए आपने जो सजा अपने लिए चुनी है उसकी हम आपको आज्ञा देते हैं। अब आप आपका परिरूप त्याग सकती है। नाराज परी, अब अभी अपने परिरूप को त्यागने का फैसला बदल दीजिए। शुक्रिया बालवीर, मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी सजा से खुश हूं बालवीर। नाराज परी, आप जो करने जा रही हैं उससे मैं सहमत नहीं, लेकिन क्योंकि आपका फैसला है और अब आपको बाल परी की अनुमति भी मिल गई, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परी रूप त्याग करने से पहले आपको परी होने के जितने भी चिन्ह हैं उनका भी त्याग करना होगा। नाराज परी,
आपके पास आपका परी रूप त्यागने के 3 तरीके हैं और आप अपनी इच्छा से कोई भी तरीका चुन सकती हैं। अग्नि द्वारा, वायु द्वारा या फिर जल के द्वारा। बाल परी, मैं अपने परी रूप का त्याग जल से करूंगी। ठीक है नाराज परी, अब आप अपनी इच्छा द्वारा आपका परी रूप त्यागने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। चलो परियो। माँ, माँ रोकिए ना उन्हें। बालवीर, यहां से चलिए, ये हमारा आदेश है। चलिए। जाओ पाल, जाओ। कहाँ गई सिटी? हर जगह ढूंढ लिया लेकिन सिटी कहीं मिल ही नहीं रही है। सिटी हवा में कैसे उड़ रही है? अभी देखता हूं। ए, रुको! इडियट्स, रुक तो जाए। ये उसने कहा इसलिए रुक गए। अरे कल वो कहेगा कि मुझे कुएं में ढकेल दो तो ढकेल लोगे। डोंट एंग्री मी। सॉरी अग्नि बॉय। कुछ भी हो जाए ये सीढ़ी हमें उसे नहीं देनी है। ओके चलो भागो, घूमो घूमो। एक मिनट। ए ए रुको 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 बेटा। तुम ठीक तो हो ना? हाँ सर। मेहर, ये तुम्हारे बैग किसने पैर पे टांगे थे? सर मैं बताता हूँ, सब रोहित केवल रोहिणी ने किया है। क्या? रोहिणी! हे परीलोक के रक्षकों, मुझे दिल से अपनी गलती का पछतावा है, इसीलिए मैं प्राश्चित करने के लिए अपने परी रूप का त्याग करना चाहती हूँ और मैं अपने परी रूप का त्याग अपने परी रूप का त्याग जल के द्वारा चुनती हूँ। जल के द्वारा चुनती हूँ। जल के द्वारा चुनती हूँ। Thank you.
रोनी, रोहित, केवल, तुमने मानव महर के बैग्स क्यों छुपाए थे? ताकि वो पढ़ ना सके। क्या? ऐसा आप समझेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि सर हमने मानव महर के बैग छुपा ही नहीं है। झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह से पता है बैग तुमने छुपाए थे। अच्छा सर, आपको ये बात किसने बताई? पुकी ने। पुकी ने? आपको पता है पुकी दोपहर को क्या बोल रहा था? कि आप दिन भर सोते रहते हो, आपको पढ़ाना नहीं आता और आपको सिर्फ ट्यूशन लेने से मतलब है। तुके, तुमने ऐसा कहा था? नहीं सर, मैंने ऐसा नहीं कहा। ये झूठ बोल रहे, ते सच्ची में मैंने ऐसा नहीं कहा, प्रॉमिस। तो क्या मानो मैंने कहा? ए, हमने ऐसा नहीं बोला। रोनी, ये सब तो मना कर रहे हैं। सर, सर ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है सर। मतलब उनका सच सच और हमारा सच झूठ। सर, इन्होंने कहा कि इन्होंने हमें बैग चोरी करते हुए देख लिया, तो आपने तुरंत मान लिया। और फुकने तो इन दोनों के सामने हमसे कहा था सर, और फिर भी आप मेरी बात नहीं सुन रहे। This is injustice सर। मुझे लगता है मुझे अपने अंकल, मेरा मतलब प्रिंसिपल सर से बात करनी पड़ेगी। सर, मैं जा रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे पता है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तो पता है कि तुम एक सच्चे और अच्छे बच्चे हो। मानव महर पुकी ऐसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं कहते। चलो बैठो। अरे अरे, यहाँ नहीं, अपनी सीट पे। चलो बेटा, क्लास शुरू करते हैं। क्या कर रहा है? चलो बच्चों, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ और किताबें निकालो और पुरानी बातें भूल जाओ। ओके सर। अरे, ये मानो मेर को तो उनकी बैग्स मिल गई, अब तो ये पक्का खुश होकर ही रहेंगे। नहीं, बस तो मैं ही आऊंगा, क्योंकि मेरे पास ये है। ये क्या? ये चक्कर आने की दवाई है। ये मैं मानव और महर की बोतल में मिला दूंगा। जब भी वो उसमें से पानी पिएंगे, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, और जब तबीयत ही खराब होगी तो पड़ेगी क्या। चलो अब चुपचाप बैठो। नटखट परी, माँ, माँ, हमें नाराज परी को उनकी गलती सुधारने का एक मौका देना चाहिए। जितना दुख आपको हो रहा है, उससे कई ज्यादा दुख हमें भी हो रहा है। आज हम हमारे एक साथी परी को हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। तो फिर आप उन्हें रोकिए ना माँ, क्योंकि मुश्किल के समय में ही अपनों की पहचान होती है, और इसलिए हमें उन्हें अकेला नहीं छोड़ना है, बल्कि उनका साथ देना है माँ। हम भी नहीं चाहते कि ऐसा हो पाता, लेकिन नाराज परी ने हमारे लिए कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा है। बालवीर, नाराज परी ने अपना रूप त्यागने का फैसला खुद लिया है, और उनके उस फैसले को बदलने का हमें अधिकार नहीं है। लेकिन माँ। हाँ, और हमें ये भी नहीं पता कि अब तक वो अपना परी रूप त्याग भी चुकी होगी या नहीं। माँ, परियों, मैंने आज तक आप सबके फैसले का सम्मान किया है, उसका साथ दिया है, लेकिन मुझे दुख है कि आज मैं पहली बार आप सबके फैसले से खुश नहीं। मुझे लगता है कि आप सबने नाराज परी के साथ न्याय नहीं किया है। बालवीर, आप हम पर अन्याय का आरोप लगा रहे हैं। तुम भूल रहे हो बालवीर, नाराज परी ने तुम्हारे प्राण लेने की कोशिश की, हमारे साथ विश्वासघात किया था। परीलोक को नुकसान पहुंचाने के लिए उसने भयंकर परी का साथ दिया, और आप उसी के सजा के खिलाफ हो? हाँ, क्योंकि आपने ही मुझे एक दिन सिखाया था कि सजा का मकसद सुधार होता है। मगर जब नाराज परी को उनकी गलती का पछतावा है, वो बदल गई है, तो भी हमने उनको सजा सुना दी। लेकिन बालवीर, नाराज परी ने अपनी सजा खुद चुनी है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो अपनी गलती की सजा चाहती थी, लेकिन हमें तो ये देखना चाहिए था कि उन्हें अपनी गलती का पछतावा है या नहीं। पर बालवीर, जो एक बार हमारा विश्वास तोड़ सकती है, वो दूसरी बार भी तो ऐसा कर सकती है। लेकिन ये तो समझिए आर पार परी, कि आप सबका रिश्ता आज नाराज परी से जुड़ा होता,
अगर वो आप सबको सच नहीं बताती। पर ये भी तो हो सकता है बालवीर कि इस बार भी भयंकर परी के साथ मिलकर वो कोई चाल चल रही हो। ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैंने उनकी आंखों में अच्छाई और सच्चाई देखी और मुझे तो इस बात का दुख है कि जब वो बुराई के साथ थी तो वो हमारी अपनी थी पर जब उन्होंने अच्छाई और सच्चाई के रास्ते को चुना तो हमने उनको अकेला छोड़ दिया, पराया कर दिया। अगर नाराज परी आज हमसे दूर है तो वो खुद अपनी गलतियों की वजह से। लेकिन अब तो वो अपनी गलती सुधारना चाहती थी। आप ही बताइए माँ, नटखट परी, आप ही मुझे बताइए कि क्या जरूरी है, सजा या सुधार? और आप ही ने तो कहा था ना माँ कि जिस सजा से सुधारना वो सजा किसी काम की नहीं। हाँ बालवीर, हमने कहा था, लेकिन तो फिर अब जब नाराज परी सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पे चलना चाहती है तो हमने उनका साथ क्यों नहीं दिया? जबकि सच्चाई और अच्छाई का साथ देना हमारा धर्म है। आज हम सब हमारा धर्म भूल गए। मुझे लगता है कि बालवीर सही कह रहा है। हम नाराज परी से इतना गुस्सा थे कि अपनी भावनाओं के अधीन होकर हम शायद सही फैसला नहीं ले पाए। हाँ बाल परी, हमें भी लगता है कि हमसे भूल हो गई। परियो, आप सबको क्या लगता है? हाँ बालपरी, जाने अनजाने में हमसे अन्याय हो गया है। अगर ऐसा है तो हमें अपनी भूल सुधारनी चाहिए। पर अब ये सब सोचकर क्या फायदा? शायद अब तक तो नाराज परी ने अपना परी रूप त्याग भी दिया होगा। नहीं आर पार परी, हो सकता है कि अनहोनी ना हुई हो, हम शायद नाराज परी को बचा पाए। परियो, मैं अभी देखता हूँ। सच्ची बात हमेशा रहे खरी, दिखा दो मुझे कि कैसी है नाराज परी। बाल परी, हमें जल्दी वहां पहुंचना होगा। परियो, नाराज परी को बचाने का हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, चलिए। वो रोनी तो मॉन्टू से भी ज्यादा खतरनाक और शैतान निकला। हाँ, खुद गलती करता है और सारा ब्लेम हम पे डाल देता है। और सर की डांट भी हमें ही खानी पड़ती है। और आज तेरा टिफिन भी मुझे ही खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तेरा पेट तो डांट खाकर ही भर गया होगा ना। सही कहा तुमने मानो मेहर, मैं बहुत शैतान हूँ और मुझे अच्छे बच्चे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और तुम अच्छे बच्चे पढ़कर क्लास में फर्स्ट ना आओ, इसीलिए मैं ये चक्कर आने वाली दवाई अभी तुम्हारी पानी की बॉटल्स में मिला दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे पढ़ते हो तुम दोनों। मानव, तुझे खाना खाने से पहले जितना पानी पीना है पी ले, क्योंकि खाने के बीच में नो पानी, वरना तो आधा खाना ऐसे ही छोड़ देगा। ओके ओके, और आप भी अपना पानी पी लीजिए टीचर जी। पियो पियो, जल्दी से ये पानी पियो, इसके बाद तुम्हारा सर ऐसा घूमेगा ना कि तुम पढ़ोगे नहीं बल्कि अपने बेड पे पड़े रहोगे।